प्रदेश भर में बढ़ती एटीएम चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पीथमपुर पुलिस द्वारा शहर के सभी बैंकों से उनके एटीएम और उसका मेंटेनेंस करने वाले लोगों के विशेष जानकारी मांगी गई। साथ ही सभी बैंक मैनेजरों को हिदायत दी गई कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें और अपने एटीएम की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मी नियमित रूप से तैनात रखें। पीथमपुर से संजय सोनग्रह की रिपोर्ट। विभिन्न बैंक के जो एटीएम पीथमपुर क्षेत्र में लगे हुए हैं उसके संबंध में बैंक को आगाह किया जा रहा है कि सुरक्षा गार्ड रखें और एटीएम की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। ये सब डिवीजन अनुभाग में सभी थानों में पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर एटीएम की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। शक्ति पंप के विधिक सलाहकार ने थाना सेक्टर 1 में एक रिपोर्ट किया कि इनका अकाउंटेंट राघव राजपूत 2 करोड़ रुपए की हेरा फेरी की है। इस सूचना पर थाना सेक्टर 1 में प्रकरण पंजीबद्ध किया, 408 भारतीय दंड संहिता का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी राघव राजपूत को जब बुला के पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये YouTube में ऑनलाइन मनी गेम खेलता था जिसके कारण कंपनी का पैसा उसमें लगा दिया। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 408 का अपराध पाए जाने से राघव राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, इसमें कुल कितने पैसे की ठगी हुई है? इसमें 2 करोड़ रुपए का उसने हेर फेर किया है अपनी कंपनी के उसमें, और जिस YouTube चैनल YouTube में इसने मनी ट्रांजिट किया है या गेम खेला है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। आपका नाम और आपका पद बता दें। तरुणेंद्र सिंह बघेल, CSP पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।